हेलो एवरीवन, मैं हूं क्रैकी एंड वेलकम टू esports in 5। इस शो में हम नजर आने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ esports में हो रही सारी चीजों के ऊपर इन जस्ट अंडर 5 मिनट्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। अप्रैल में सेंसी और एमजे को साइन करने के बाद रेवेनेंट esports ने हाल ही में अनाउंस किया है कि पियर्स और अपोलो ने उनका बीजेएमआई रोस्टर ज्वाइन कर लिया है। हमारी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक। ऑटोबॉट esports ने वॉकआउट्स का बीजेएमआई रोस्टर पिकअप कर लिया है। इस रोस्टर में शामिल हैं ओडिन, मिस्टर स्प्रे, ऑर्जी, ऑक्टा, अबरार और स्क्रिल्स। वेलोसिटी गेमिंग ने अपनी बीजेएमआई लाइनअप अनाउंस कर दी है। इस रोस्टर में शामिल हैं एम्बॉट, इमॉर्टल, पंक और ऑक्टेवियस। ग्लेडिएटर esports ने अपनी बीजेएमआई लाइनअप अनाउंस कर दी है। इस लाइनअप में शामिल हैं जस्टिन, डेस्ट्रो, डेल्टापीजी और शोगुन। शोगुन के अलावा बाकी 3 खिलाड़ी इससे पहले खेमिन esports के बीजेएमआई रोस्टर का हिस्सा थे। मेडल esports ने अपना बीजेएमआई रोस्टर अनाउंस किया है, जिसमें शामिल हैं एनकोर, पैराडॉक्स, टॉप डॉग और क्योया। God's Reign ने अपना बीजेएमआई लाइनअप अनवेल किया है। इस लाइनअप में शामिल हैं एक्वानॉक्स, निंजा जॉर्ड, रॉबिन और ब्लेज। रॉबिन के अलावा बाकी 3 खिलाड़ी इससे पहले TSM इंडिया के बीजेएमआई रोस्टर का हिस्सा थे। God's Reign ने अपना CSGO रोस्टर रिवील किया है। इस रोस्टर में शामिल हैं किल स्विच, क्लाउडे, रेवन, फिन और क्रेजी गेमर। God's Reign के वैलोरेंट कोच गॉडस्पीड ने अपनी टीम छोड़ दी है और कुछ और ऑफर्स परस्यू कर रहे हैं। हमारी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक। वैलोरेंट चैलेंजेस लीग साउथ एशिया का स्प्लिट 2 हाल ही में समाप्त हुआ। प्लेऑफ्स के दौरान लोअर ब्रैकेट राउंड 2 में रेकनिंग esports ने God's Reign को 2-0 से हराया। विनर ब्रैकेट फाइनल में ओरांगुटान एस्टर आर्मी को 2-0 से हरा के बन गई ग्रैंड फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम। रेकनिंग esports ने एस्टर आर्मी को लोअर ब्रैकेट फाइनल में हरा के ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रैंड फाइनल के पहले इंडियन वैलोरेंट सीन की 2 सबसे पॉपुलर टीम्स के बीच हुई एक शो मैच। वेलोसिटी गेमिंग और ग्लोबल esports के पुराने रोस्टर्स के बीच हुआ मुकाबला एंड इस शो मैच को वैल क्लासिको शो मैच का नाम दिया गया। ये एक बेस्ट ऑफ 3 मैच थी और ग्लोबल esports ने वेलोसिटी को 13-10 से हेवन में और 13-5 से बाइंड में हरा के 2-0 की स्कोर लाइन से जीत लिया। ग्रैंड फाइनल में स्प्लिट 1 चैंपियंस ओरांगुटान और रेकनिंग esports के बीच हुआ एक बेस्ट ऑफ 5 मुकाबला। पहले मैप हेवन में रेकनिंग esports ने लोगों को चौंका देने वाला एक डोमिनेटिंग प्रदर्शन किया और मैप 13-6 से जीत लिया। ओरांगुटान ने मैप 2 फ्रैक्चर को 13-10 से जीता। रेकनिंग ने मैप 3 स्प्लिट को झट से 13-5 की स्कोर लाइन से जीत लिया एंड मैप 4 बाइंड को फिर से ओरांगुटान ने 13-6 से जीता और स्कोर इक्वलाइज किया। डिसाइडर मैप असेंट पर ओजी ने बनाई अर्ली लीड और 8 राउंड जीत लिए मैप के पहले हाफ में और उसके बाद मैप को 13-8 की स्कोर लाइन से और मैच को 3-2 की स्कोर लाइन से जीत लिया। कांग्रेचुलेशंस ओजी एंड वेल प्लेड बोथ टीम्स। इसी के साथ ओजी वीसीडी एसेंशन पैसिफिक 2023 के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। मास्टर्स टोक्यो की शुरुआत जापान में हो गई है। ग्रुप स्टेज में EG ने FUT esports को 2-0 से हराया। DRX ने अटैकिंग सोल esports को 2-0 की स्कोर लाइन से हराया। T1 ने EDG को 2-1 की स्कोर लाइन से हराया। NRG ने NAVI को 2-1 की स्कोर लाइन से हराया और EG ने DRX को 2-0 की स्कोर लाइन से हराया। NRG ने T1 को 2-1 से हराया। FUT esports ने अटैकिंग सोल esports को 2-1 से हराया और EDG ने NAVI को 2-0 से हराया। Ubisoft ने अनाउंस किया है कि दुनिया भर से 8 ग्लोबल प्लेयर्स इंक्लूडिंग इंडिया के आदित्यान आर्म 73 आर्मस्ट्रांग को चूज किया गया है फॉर द ओलंपिक esports सीरीज 2023 जस्ट डांस कॉम्पिटिशन। जस्ट डांस वर्ल्ड कप के फाइनल्स और लोकल कंटेस्ट के पूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से इन एथलीट्स को चुना गया है। ये एथलीट्स जून 23 को यूबीसॉफ्ट और वर्ल्ड डांस स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा आयोजित फाइनल्स में कम्पीट करेंगे। मेरे को क्यों नहीं लिया? मैंने भी भेजी थी मेरी एंट्री। कौन सी एंट्री? ये वाला। क्या हुआ, चौंक गया ना? हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। पिछले महीने LCS प्लेयर्स एसोसिएशन यानी कि LCSPA ने वॉकआउट वोट किया था क्योंकि एकेडमी सर्किट में किए गए चेंजेस की वजह से LCS के 10 में से 7 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एकेडमी रोस्टर्स को ड्रॉप कर दिया था। एक रीसेंट अपडेट में LCSPA और रायट गेम्स ने अनाउंस किया है कि दोनों पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है और LCS समर स्प्लिट 2023 जून 14 से रिज्यूम होगा। इस एग्रीमेंट के पूरे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। लीग ऑफ लेजेंड्स की वन ऑफ द बिगेस्ट esports होस्ट शॉक्स अपनी LEC समर स्प्लिट 2023 की ड्यूटी से स्टेप डाउन करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करने के लिए ये ब्रेक ले रही हैं और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में वापस आने की उम्मीद रखती हैं। अपनी नई ब्रांडेड कंटेंट गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस करने के सिर्फ एक ही दिन बाद स्ट्रीमर्स के बैकलैश की वजह से ट्विच ने उन गाइडलाइंस को स्क्रैप कर दिया है। इन गाइडलाइंस में बर्न इन वीडियोस, डिस्प्ले और बैनर एड्स और भी बहुत कुछ पर रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूडेड थे। यूएसए के फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि FTC ने माइक्रोसॉफ्ट पर अपनी Xbox सर्विसेज से बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स के कंसेंट के बिना कलेक्ट करने के लिए $20 मिलियन की फाइन लागू की है। इस फाइन के अलावा माइक्रोसॉफ्ट से एक्सपेक्टेशंस है कि वो Xbox सिस्टम यूज करने वाले बच्चों की प्राइवेसी प्रोटेक्शन इंप्रूव करने के लिए नए स्टेप्स लेंगे। चेक ईस्पोर्ट्स स्टार और टीम वाइटैलिटी के वैलेंट एथलीट कैरन ट्विस्टेड एसन ब्रेनर का देहांत हो गया है। हमारी प्रार्थनाएं उनके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हैं। इसी के साथ ईस्पोर्ट्स इन पाइप का ये एपिसोड समाप्त हुआ। क्या हमने कोई खबर मिस की है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करें। आप हमें लोगो और टच पर भी फॉलो कर सकते हैं और ईस्पोर्ट्स के बारे में अगर और बातचीत करनी हो तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली विजिट करें। इसी के साथ मैं कहूंगा गुड बाय और आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते।